जय हिंद, जय भारत दोस्तों, कैसे हो? आज की जो क्लास है, जो लेक्चर होगा आज का, वो भारत के भूगोल की तीसरी क्लास है। आज भारत के भूगोल की थर्ड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब भारत के भू प्रदेश बताए थे, भौतिक प्रदेश बताए थे, तो भौतिक प्रदेश में जब मैंने आपको बताया तो बताया था कि संपूर्ण भारत को 5 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। कितने में? 5 में। उनमें से सबसे जो पहला था वो पता था आपको, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र आज इसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। देखो बच्चों, पीपीटी बनाकर और क्वेश्चन बनाकर, एक क्वेश्चन का आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, उससे कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। मान लिया आपसे पूछे भारत की सबसे चोटी कौन सी है हिमालय की, तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। कोई आएगा बताएगा कंचनजंगा ऊंची है, ये है, वो है, लेकिन एक बार बृहद स्तर पर नॉलेज के लिए, कंसेप्ट क्लियर, मेरे को बताया था पहले भी, कंसेप्ट क्लियर जरूर करिए आप। कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि अवधारणा आपकी किसी भी टॉपिक पर, जो भी चीजें हैं, जो अवधारणात्मक चीजें होती हैं, वो सब क्लियर हो जाती हैं। और एक कहावत भी सुनी होगी आपने, जिज्ञासा ज्ञान का आधार होती है। जिज्ञासा ज्ञान का आधार होती है, इसलिए जिज्ञासु बनिए और हर चीज के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। आज की जो उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें पूरे हिमालय के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जो भी संभावित क्वेश्चन है आने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा, और जो पहले आ चुके हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा प्रायद्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका हिस्सा बताऊंगा आपको, जो प्रायद्वीपीय भारत है। जैसे आपको बताऊंगा अभी, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ना ये इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं? वो भारत का पर्वतीय, वो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीप ऐसे भूखंड को बोलते हैं जो भूखंड तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, और जो भूखंड कोई जैसे ये टुकड़ा है कोई, और इसके चारों जल है, चारों जल भरा हुआ है, तो उसे तो बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं उसको द्वीप बोलते हैं। और जो भूखंड तीन ओर से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत का जो ये हिस्सा है, ध्यान रखिए बच्चों, ये जो हिस्सा है, ये देखिए आप, इधर भी जल है और नीचे भी जल है आपका, जो भी नीचे है ना, जो नीचे आपका जो है हिंद महासागर, नीचे भी जल है, इधर बंगाली खाड़ी है और इधर अरब सागर है, तो तीन ओर के आपके जल भरा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको? प्रायद्वीप बोलेंगे। और ही मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना बच्चों, जो जल राशि, जैसे जल राशि आपकी है, ये जल राशि आपकी, ये जल राशि आपकी है, ये सारी जल राशि अगर तीन तरफ से अगर कोई जल राशि तीन तरफ से भूखंड से गिरी हो तो उसे बोलते हैं खाड़ी। उसे क्या बोलते हैं? उसे खाड़ी कहते हैं बच्चों, बे बोलते हैं। तो बंगाली खंड ना, बे बंगाल बोलते हैं इसको, क्योंकि तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? भूखंड से घिरा हुआ है। और अगर कोई जल राशि चारों ओर भूखंड से घिरी हुई है, चारों ओर जमीन है उसके, तो उसे झील कहते हैं। अगर तीन ओर से घिरी हुई है तो खाड़ी कहेंगे, और चारों ओर से घिरी हुई है तो झील कहेंगे। एक तो होती है बे बोलते हैं, जैसे बे बंगाल। एक बोलते हैं गल्फ का मतलब भी खाड़ी होता है, खाड़ी ही होता है। गल्फ उसको बोलते हैं जो संकरी, जो खाड़ी संकरी होती है, नैरो होती है। जैसे आपकी ये है खंबाती खाड़ी, देखो यहां से क्या बहुत नैरो है, तो ये आपकी गल्फ होगी। क्या होगी? गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी देखो, क्योंकि क्या ये नैरो है। इधर भी देखो भूखंड है, इधर भी भूखंड, तो तीन और क्या है इसमें? जमीन है। तो क्या बोलेंगे इसको? खाड़ी बोलेंगे। पर खाड़ी में क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? गल्फ बोलेंगे। गल्फ किस लिए बोलेंगे? गल्फ क्योंकि इसमें क्या है? संकरी है, नैरो है। जब यही नैरो वृहद हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं बे।
बी खाड़ी, जिसे गल्फ कंट्री बोलते हैं ना, खाड़ी के देश, तो जो फारस की खाड़ी है वो संकरी खाड़ी है, वो तो उसे गल्फ ऑफ फारस बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझा गया प्रायद्वीप किसको बोलते हैं और खाड़ी किसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम देखो, आपको मैं करता हूं थोड़ा शुरू। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ये हमारा टॉपिक शुरू होता है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है बच्चों? हिमालय पर्वत है। हिमालय क्या बनेगा संधि इसकी? हिम प्लस आलय। कौन संधि है इसमें? जो हिंदी पढ़ते होंगे जानते होंगे संधि कौन सी है बच्चों, इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। दीर्घ क्यों है उसके लिए हिंदी क्लास देखिएगा, इसमें नहीं बताऊंगा। हिम प्लस आलय, हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब स्थान, तो बर्फ का स्थान है। हिमालय पर्वत की कई ऐसी श्रेणियां हैं जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, हिम से ढके रहते, तो क्या बोलते हैं उसको? हिमालय बोलते हैं। अब हिमालय करते हैं स्टार्ट। हिमालय पर्वत क्या है ये देखिए आप, ये जो आपका उत्तर है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये आपका पूरा क्षेत्र जो है हिमालय पर्वत का क्षेत्र है। ये पूरा इलाका हिमालय पर्वत है। हिमालय आया कहां से? हिमालय बना कैसे? हिमालय क्यों बना, कैसे बना और कब बना, ये बहुत जरूरी बातें हैं। भारत को अगर हम देखें तो जो ये हिस्सा भारत का जो विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत जो है ये भारत को दो भूखंड में बांटता है। निचले का हिस्सा अलग है, ये जो हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका बच्चों? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये 33 महासागर की जो 33 महासागर था उसकी भूसन्नति प्लेट टेक्टोनिक छोरी के तहत। प्लेट टेक्टोनिक का मतलब होता है कि पूरी भूखंड को, जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, ये जो हमारी पृथ्वी है बच्चों, इसमें सकता है आपको ऊपर से थोड़ा लाइट में दिक्कत हो रही होगी लेकिन ग्लोब को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे ग्लोब को अलग अलग प्रकार की प्लेटों में बांटा गया है। प्लेट का मतलब यहाँ खाने वाली प्लेट से नहीं है, प्लेट का मतलब जैसे ना आप कभी आपने खरबूजा खाया होगा, तो खरबूजे में अलग अलग फांक बनी होती है और हम एक ऐसे हिस्से को काटते हैं और उसको काट के ऐसे अलग कर लेते हैं, ठीक ना। तो इसी तरीके की प्लेट बनी हुई है। एक प्लेट आपकी, जैसे देखो मैंने ये बताया आपको, ये आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, एक ये अलग से प्लेट है। इसको आप ऐसे करके ऐसे निकालते हो खरबूजे की, जो उसका हिस्सा होता है उसकी तरह, जो ये है इसको अलग कर सकते हो। ऐसी एक प्लेट आपकी ये अफ्रीकी प्लेट है, ऐसी आपकी ये जो एशिया है आपको दिख रहा है पूरा एशिया यूरोप, ये यूरेशिया प्लेट है। कौन सी प्लेट है? यूरेशिया, यूरोप और एशिया की एक प्लेट है। भारत की प्लेट, इसे बोलते हैं भारत को इंडियन ऑस्ट्रेलिया प्लेट। क्या बोलते हैं? इंडियन ऑस्ट्रेलिया प्लेट बोलते हैं इसको। इंडियन ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो थी वो देखो प्लेट कैसी थी, ये थी आपकी यूरेशिया की प्लेट। कौन सी प्लेट थी? यूरेशिया की प्लेट। ये थी इंडियन और ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडियन प्लस ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, वो यहां थी प्लेट, ध्यान रखना वो प्लेट यहां थी। तो जैसे ऐसे खिसकी, बीच में था 33 महासागर। कौन सा महासागर? 33। तो जैसे भारत की प्लेट ऊपर खिसकती रही, ऐसे जाती रही, 33 महासागर का हिस्सा ऊपर जाता रहा। और ध्यान रखना बच्चों, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक में जिस प्लेट का दबाव ज्यादा होता है, इसका भार ज्यादा होता है, वो प्लेट नीचे दब जाती है और उसके ऊपर दूसरी प्लेट आ जाती है, ऐसे करके। ये बड़ी प्लेट थी, कौन सी? यूरेशिया की प्लेट। ये कैसी प्लेट है? छोटी प्लेट है। तो जैसे ऊपर की ओर गई तो जैसे यहां दबाव बनना शुरू हुआ, दबाव बना। अब आप ये पूछ सकते हैं कि प्लेट चलती कैसे है, क्यों टूटी, क्यों अलग हुआ? पहले पूरे ग्लोब पर एक ही हिस्सा था, सारे महाद्वीप एक ही जगह थे, लेकिन ज्वारीय बल
टाइड फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल है ना, अब थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं उसको। तो ज्वारीय बल उत्प्लावन बल के कारण पेंजिया का विभाजन हुआ, पेंजिया टूट गया, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड दो हिस्से बने थे, उसी का परिणाम था कि भारत की प्लेट क्या थी, वो ऊपर खिसक रही थी। खैर अब जब ये ऊपर खिसक रही थी तो यहां पर जो था इस हिस्से पर जो ये यूरेशिया प्लेट है, इसको एक तिब्बत की प्लेट है, जो छोटा भाग था ना इसका, वो तिब्बत की प्लेट बोलते हैं। तिब्बत जो है वर्तमान में चीन का भाग आ जाता है, तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था पहले, भारत ने तिब्बत को अलग से मान्यता प्रदान भी करी थी, और तिब्बत का जो निर्वासित नेता है दलाई लामा वो भारत के धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अस्थायी राजधानी है तिब्बत की, ध्यान रखेगा। तो तिब्बत की प्लेट से भारत की प्लेट टकराई ऐसे, तो यहां जो दबाव बना उस दबाव से ये हिस्सा टूट गया, ये ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। जब ऊपर उठना शुरू हुआ तो जो हिमालय बना वो ट्रांस हिमालय बना, कौन सा बना, ट्रांस हिमालय। तो बच्चों ये बना, वो ये आपका हिमालय का जो ना ये ऐसे श्रेणी में बांट देते हैं ऐसे, इस तरीके से ये है। ये तो हमारी तीन श्रेणी होगी, ये जो आपका एक ये है, ये तो पहले ट्रांस हिमालय बना। इस हिमालय को हम, वैसे तो हिमालय को, हिमालय की तीन श्रेणियां हैं लेकिन वैसे हिमालय को हम चार हिस्सों में बांटते हैं। एक ऊपर को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है उन्होंने तिब्बत की प्लेट का वो टूटा हुआ हिस्सा है जो भारत की प्लेट आगे बढ़ने से उस पर दबाव बना और वो हिस्सा क्या होगा, ऊपर उठ गया। ट्रांस हिमालय में ये चार श्रेणियां हैं, ये ऊपर की श्रेणी है इसे बोलते हैं कारा, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, इसे बोलते हैं लद्दाख श्रेणी, इसे बोलते हैं जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और एक कैलाश पर्वत की श्रेणी जो दक्षिणी भाग है इसका वो यहां पर है। जैसे हमारे ना कैलाश पर्वत के पास ही है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील से तीन नदियां निकलती हैं, वो तीन नदियां कौन सी है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, और ध्यान रखना इन तीनों नदियों को पूर्ववर्ती नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है ऐसी नदियां जो हिमालय बनने के पहले भी इस क्षेत्र में मौजूद थी, वो उन्हें बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं। अनुवर्ती नदी उनको बोलते हैं जो बनाए गए मार्ग का अनुसरण करती हैं, घाटियां मिलती रही, नदी बहती रही। पूर्ववर्ती नदी उनको कहते हैं जो हिमालय बनने के पहले भी इस क्षेत्र में मौजूद थी। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जो है वो ट्रांस हिमालय का जो भाग है, कैलाश पर्वत जो उसकी चौथी श्रेणी है, जो उसका दक्षिणी भाग है, सबसे उत्तरी भाग तो था ना यहां पर पामीर, पामीर की गांठ, पामीर की गांठ, ये इसका उत्तरी भाग है। दक्षिणी भाग कौन सा है, कैलाश, कैलाश पर्वत है जहां पर शिव जी रहते हैं, शिव पार्वती कैलाश पर ही रहते हैं। तो कुछ शिव कहीं और भी रहते होंगे, कैलाश पर्वत है ये आपका। तो इस कैलाश पर्वत का जो दक्षिणी भाग है यहीं पर एक मानसरोवर झील है, वहां पर एक ग्लेशियर है चोमायुंग डुंग, चोमायुंग डुंग, उस ग्लेशियर से निकलती सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। तो वो नदी कैसी है, वो भारत की पूर्ववर्ती नदी है, यानी पहले से ही बह रही है भारत में, हिमालय बनने के पहले से ही है। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हमें जो बातें याद रखने, ध्यान रखेगा, पहली बात जब आप नोट्स बनाओ तो उसमें हेडिंग ट्रांस हिमालय, फिर लिखना ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार या तिब्बत की प्लेट का भाग है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के 33 महासागर पर दबाव बनने के कारण बना है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय हिमालय बनने के पहले ही इस क्षेत्र में मौजूद था, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत चार पर्वत श्रेणियां आती हैं, जैसे नंबर एक काराकोरम श्रेणी आती है, नंबर दो लद्दाख श्रेणी, नंबर तीन जास्कर और नंबर चार कैलाश। कैलाश ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, और पामीर की जो गांठ है वो काराकोरम के इधर पड़ती है, वो सबसे उत्तरी भाग है किसका, ट्रांस हिमालय का। हमारी जो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 गोडविन ऑस्टिन, वो इसमें पाक अधिकृत कश्मीर वाले भाग में, जो हमारा खुद का अपना का भाग है पाक अधिकृत कश्मीर में, वो काराकोरम श्रेणी का भाग है। किसका भाग है बच्चों, काराकोरम श्रेणी का।
इसलिए कहते हैं भारत में हिमालय की जो सबसे चोटी है वो कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, और पूर्णतः हिमालय की जो भारत में सबसे चोटी है, क्योंकि कंचनजंगा का कुछ हिस्सा नेपाल में भी है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में जो है, जो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है वो भारत में भी, संपूर्णतः भारत में जो स्थित है हिमालय पर्वत की, वो नंदा देवी है। तीन चीजें हैं, एक तो आपका हो गया K2 गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है। कंचनजंगा सिक्किम में है, सिक्किम और नेपाल दोनों में मानी जाती है, वो हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी है। तीसरी बात, नंदा देवी हिमालय की जो पूर्णतः भारत में है वो नंदा देवी है, वो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी भी है कि ना नंदा देवी। तो ये काराकोरम के बारे में, तो उसके ट्रांस हिमालय के बारे में तो ये बातें होगी। तो ये पूर्व नदी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय सबसे पहले बना हुआ हिमालय है, ठीक ना, हिमालय से पहले ही बन चुका था ट्रांस हिमालय। जो भारत के जो बड़े बड़े ग्लेशियर था ना, सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का कौन सा है? बहुत बच्चे जानते हैं, अक्सियाचिन है जी, नहीं, ससाईमी। कौन सा है बच्चों? ससाईमी, 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 ससाईमी। मैं थोड़ा देता हूं, ससाईमी, ससाईमी सबसे बड़ा ग्लेशियर, 128 मीटर के आसपास की इसकी लंबाई चौड़ाई है। सियाचिन ऊंचा तो है, बड़ा नहीं है, ऊंचा सबसे बड़ा ये है ससाईमी ग्लेशियर। जितने बड़े ग्लेशियर हैं, ससाईमी वगैरह है, आपका वोल्टेरा है, आपका ग्लेशियर है, ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है। जो आपके दर्रे हैं, ठीक ना, कई दर्रे भी, जैसे काराकोरम दर्रा है भारत का, वो भी इसी श्रेणी में है। किसमें? ट्रांस हिमालय में। तो सिर्फ ये याद रखिए, ट्रांस हिमालय। दूसरी बात, ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय और जो महान हिमालय है, इसको जो अलग करने वाली रेखा है उसे बोलते हैं सचर जोन। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं सचर जोन। सचर जोन, सचर जोन बोलते हैं, या हिंज लाइन बोलते हैं, सचर जोन या हिंज लाइन, हिंज या सचर जोन बोलते हैं उसको। जहां जैसे आपका ट्रांस हिमालय तो ये है, यहां से फिर महान हिमालय शुरू होता है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो महान हिमालय है उससे पहले ट्रांस हिमालय, उनके बीच में जो रेखा बनाई गई है, वो जो रेखा है धन्यवाद बच्चों, वो जो रेखा है उसे बोलते हैं सचर जोन या हिंज लाइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात हमारी स्पष्ट होगी। अब हम आते हैं बच्चों किस पर? बृहद हिमालय पर। किस पर आते हैं? बृहद हिमालय पर। बृहद हिमालय को, बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हिमाद्री, हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री, महान हिमालय। अब जो हिमालय है, जो मुख्य हिमालय, हम वो पढ़ते हैं। मुख्य हिमालय की तीन श्रेणियां हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बांटा गया है, ऊपर से ऐसे बांटा गया नीचे की ओर। ऊपर से जब नीचे की ओर बांटते हैं तो उसको हम, जैसे एक मैंने बताया आपको महान हिमालय, कौन सा हिमालय? महान हिमालय। फिर कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। और फिर कौन सा हिमालय? फिर शिवालिक हिमालय। तो जो महान हिमालय, अब उसके बारे में देखते हैं। महान हिमालय, महान हिमालय मुख्य हिमालय में बनने वाला पहला भाग है। पूरा जो हिमालय है ना बच्चों, पूरा जो हिमालय, यहां का नागा पर्वत से लेकर नामचा बर्मा तक पूरा हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर चौड़ी लंबी, 25 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दुनिया में एंडीज है। कौन सी? एंडीज, है ना, एंडीज सबसे लंबी है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी बच्चों? एंडीज साउथ अमेरिका के पश्चिम में है। दूसरी लंबी जो पर्वत श्रृंखला वो रॉकीज है, ठीक ना, फिर भारत की है। कौन सी? ये वाली हिमालय पर्वत का, ये ऐसे में आता है पूरा हिमालय, केवल भारत का ही भाग हिमालय नहीं है, कि हिमालय का विस्तार कई देशों में हुआ है। सिर्फ भारत में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, म्यांमार में भी है, पाकिस्तान में भी है, और चीन में भी है, तिब्बत में भी है। तो कई देशों में इसका विस्तार हुआ है, लेकिन हिमालय का जो मेन हिस्सा है, जो ज्यादा विस्तार है, वो नेपाल में है। हालांकि जो नेपाल में ज्यादा लंबा हिमालय, पर जो उसका प्रभाव पड़ता है भारत पर ज्यादा पड़ता है हिमालय का, ठीक है बच्चों। तो ये हिमालय हो गया, इसका पहला भाग महान हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री। जो सचर जोन है, जो हिंज लाइन है, उसके जो निचला हिस्सा है उसे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय कहते हैं।
महान हिमालय और बृहद हिमालय की कुछ विशेषताएं हैं, बताता हूं आपको। एक तो ट्रांस हिमालय की तरह आपका महान हिमालय भी सदैव बर्फ से ढका रहता है। कारण क्या है? जो भूमध्य रेखा है बच्चों आपकी, उससे बहुत अधिक दूरी पर है ये, है ना। ये जो आपका पश्चिमी हिमालय बोलते हैं इसको, इधर असम हिमालय बोलते हैं। जो महान हिमालय वो दूरी पर है और ऊंची पर्वत श्रेणी है, जो लगभग 94 ऐसी पर्वत चोटियां हैं महान हिमालय में जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा की है। देख लीजिए आप, 8850 मीटर की जो ऊंचाई है वो आपकी माउंट एवरेस्ट की है। माउंट एवरेस्ट महान हिमालय की सबसे चोटी और पूरे दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत चोटी यही है माउंट एवरेस्ट। कई नाम, दो नाम हो रहे हैं उसके, एक सागर माथा, एक चोमालुंग, है ना, चोल मंगलम करके नाम है, वो तिब्बत में बोलते हैं। एक तो सागर माथा आप जानते ही हैं, सागर माथा, एक चोम लंगलम कुछ करके नाम है, ऐसी कुछ नाम है चोम लंगलम, ये तिब्बती में बोलते हैं इसको, तिब्बती भाषा में बोलते हैं। तो चोम लंगलम, अरे कौन सा सागर माथा, किसके नाम है ये माउंट एवरेस्ट के नाम है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कंचनजंगा है। तो एक तो जो चोटियां पर्वत चोटियां सबसे लंबी इसी में ही है, किसमें, महान हिमालय में। दूसरी ओर जो बड़े बड़े दर्रे हैं वो महान हिमालय में ही है। तीसरी बात, जो महान हिमालय है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। जो बड़े बड़े ग्लेशियर है वो भी महान हिमालय में है। जो बड़ी बड़ी नदियों जो स्रोत है, जैसे आपकी गंगा है, यमुना है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब पर्वत श्रेणी किसमें, महान हिमालय में, ठीक है। एक तो ये महान हिमालय में जो ऊंची पर्वत चोटी आपकी सारी वो महान हिमालय में। जो बड़े बड़ी जो नदियां हैं, सदानीरा नदी, हमेशा बहने वाली जो बच्चों नदियां हैं जिसमें हमेशा पानी चलता रहता है, वो नदी आपकी कौन सी है, वो सब कहां से आती है, वो सब आपकी बृहद यानी महान हिमालय से आते हैं। इसे हिमाद्री क्यों, इसे हाँ हिमाद्री है, हिमाद्री एक नाम हो रहा है बच्चों, क्या किसे बोलते हैं हिमाद्री, हिमाद्री बोलते हैं भारत का जो आर्कटिक क्षेत्र है, जो नॉर्थ पोल है, उस नॉर्थ पोल पर भारत का जो अनुसंधान केंद्र है उसे भी का नाम भी हिमाद्री रखा गया है। क्या रखा गया, हिमाद्री। जानते हो आप, अंटार्कटिका जो विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप है उसके भारत के तीन बड़े अनुसंधान केंद्र रहे हैं। पहला अनुसंधान केंद्र रहा है आपका कौन सा, पहला अनुसंधान केंद्र था आपका दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती है, ठीक है, भारती। ऐसे हमारा जो नॉर्थ पोल पर है वो हमारा कौन सा है, हिमाद्री है। और हिमाद्री हम किसको बोलते हैं, महान हिमालय को बोलते हैं। चोटियां पर्वत चोटियां कहां पर जाती है, महान हिमालय में है, ठीक है। महान हिमालय जो बद्रीनाथ केदारनाथ सब कहां पर है, महान हिमालय में। बड़े बड़े ग्लेशियर भी गंगोत्री यमुनोत्री खुद बड़े ग्लेशियर है जहां से नदियां निकलती हैं, वो सब किसमें, महान हिमालय में। अब महान हिमालय और जो मध्य हिमालय है बच्चों, इनके बीच में भी एक रेखा है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं किसको, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जो महान हिमालय और शिवा उसको क्या नाम रखा, जो महान हिमालय और हमारी किसको, मध्य हिमालय को अलग करती है रेखा, उससे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय को लघु हिमालय, लघु हिमालय या निम्न हिमालय भी कहते हैं, किसको, मध्य हिमालय, एक ही नाम है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय या क्या नाम बच्चों, निम्न हिमालय, ये एक ही हिमालय के नाम है। ये जो जैसे आपका महान हिमालय था वो तो ऊंचा बहुत है, 6000 लगभग मीटर से अधिक उसकी औसत ऊंचाई है। उसके बाद जो मध्य या आपका जो मध्य हिमालय है बच्चों, ये ज्यादा हरा भरा हिमालय है, इसकी ऊंचाई कम है, चौड़ाई भी कम है, इसकी ऊंचाई भी कम है, चौड़ाई भी कम है। अब जो ये मध्य हिमालय निम्न हिमालय अधिकतर तो पिकनिक स्पॉट है, से मसूरी है, मसूरी है, दार्जिलिंग है, आपका डलहौजी है, शिमला है, नैनीताल है, रानीखेत है, लैंसडाउन उत्तराखंड में बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है, ठीक है ना। तो वो सब किसमें, वो मध्य हिमालय में। तो अगर आपको घूमने जाना है, हेल्थ का, स्वास्थ्य का आपको लाभ चाहिए, तो आपको मध्य हिमालय में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो महान हिमालय है वो बर्फीला है, ठीक है, ये बर्फीला नहीं है। इस हिमालय में बर्फ तो पड़ती है पर मौसम के अनुसार बर्फ पड़ती है,
सर्दियों में बर्फ पड़ जाएगी हमेशा बर्फ इस पर, जैसे मसूरी है तो मसूरी में बर्फ पड़ती है लेकिन सर्दियों में पड़ती है। तो लघु या निम्न मध्य हिमालय जो है वो हरा भरा हिमालय है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो बच्चों इसी में ही है मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय में घास के मैदान है बच्चों, घास के मैदान को जो बोलते हैं धनना, उन्हें बुग्याल बोलते हैं, घास के मैदानों को बुग्याल, क्या बोलते हैं, बुग्याल बोलते हैं और पयार बोलते हैं, उत्तराखंड में बोलते हैं बुग्याल और पयार, ये घास के मैदान है, ये उत्तराखंड में कहते हैं घास के मैदान, मतलब बहुत बड़ा रहता है घास का, बुग्याल और पयाल। जो कश्मीर में जो घास के मैदान है उन्हें गुलमर्ग, गुलमर्ग कहते हैं, तनमर्ग भी है, एक सोनमर्ग भी है, सोनमर्ग, बुग्याल पयार उत्तराखंड में बोलते हैं घास के मैदानों को, गुलमर्ग, तनमर्ग और सोनमर्ग ये उसमें बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये तो घास के मैदान हैं, इस बड़े बड़े घास पाए जाते हैं। अब जो ये मध्य हिमालय, जो मध्य हिमालय जो नेपाल में मध्य हिमालय बच्चों, उसका नाम महाभारत श्रेणी है, क्या नाम है उसका, महाभारत श्रेणी, ध्यान ना बच्चों, जैसे पीर पंजाल धौलाधार, ये तो जो श्रेणी है ये तो मध्य हिमालय की भारत में श्रेणी है, पीर पंजाल भी और आपका धौलाधार भी इधर है मध्य हिमालय में। तो जो आपका महाभारत श्रेणी है वो नेपाल हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया मध्य हिमालय, निम्न हिमालय कह लो, लघु हिमालय कह लो, अधिकतर जो पिकनिक स्पॉट है, जो स्वास्थ्य लाभ के लिए पहुंचने वाले जो स्थल है, वो आपके मध्य हिमालय में, निम्न हिमालय में, हरा भरा हिमालय है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। अब इसमें एक आती है ध्यान बच्चों, हिमरेखा पूछता है कई बार, वो क्या पूछता है, हिमरेखा, वो हिमरेखा क्या होती है, हिमरेखा बर्फ की लाइन होती है जिसकी ऊंचाई को हम भूमध्य रेखा से मापते हैं। अब ये बताइए, जो हिमरेखा जो ऊंचाई ज्यादा होगी वो पश्चिमी हिमालय में होगी, पूर्वी हिमालय में होगी, जैसे पता है यहां पर ऊंचाई क्या होगी उसकी, ज्यादा होगी, यहां क्या होगी, कम होगी। यहां जो हिमालय नहीं है ये हरा भरा हिमालय है, यहां बारिश ज्यादा होती है, बर्फीली नहीं, यहां पर बर्फ तो केवल बहुत कम इधर के इलाके में थोड़ी बहुत पाई जाती है, बहुत कम मौसमी भी, लेकिन अधिकतर कैसा हिमालय, हरा भरा हिमालय है, तो हिमरेखा यहां बहुत ऊंची होती है, ठीक है। एक तो ध्यान रखो आप, दूसरी बात क्या है, जो मध्य हिमालय है और जो शिवालिक है, इसके बाद शिवालिक, उसको अलग करने वाली रेखा कौन सी है, उसको अलग करने वाली रेखा बच्चों है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, जो किसे अलग करता है, जो अलग करता है हमारे लघु हिमालय को और किसको, शिवालिक को, जो शिवालिक है, शिवालिक श्रेणी इसे अलग करता है। तो अब आप हेडिंग मान लीजिएगा शिवालिक, शिवालिक में पहला लाइन यही होगी, शिवालिक मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा मध्य हिमालय से या लघु हिमालय से अलग होता है। शिवालिक सबसे लास्ट में मायोसीन से प्लेस्टोसीन, मायोसीन एक काल का नाम है, प्लेस्टोसीन काल तक बना है, सबसे बाद का काल है प्लेस्टोसीन, इस काल में आपका शिवालिक बना है। आप जानते हैं पहले महान हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय, फिर क्या बना, फिर शिवालिक बना, तो शिवालिक सबसे लास्ट में बना है, तो सबसे नवीन जो हिमालय है वो शिवालिक है, इसलिए इस हिमालय को जो शिवालिक हिमालय है इसे उप हिमालय भी कहते हैं, उप हिमालय भी इसको कहते हैं। शिवालिक हिमालय पूरा कंप्लीट नहीं बन पाया अभी भी, कारण क्या है, ये आसाम में जाकर मध्य हिमालय में बिल्कुल मिल जाता है, इसकी चौड़ाई सबसे कम होती है यहां पर जाने के बाद, यहां पर शिवालिक की जो श्रेणी है ना बहुत छोटी छोटी ऊंची श्रेणी, छोटी श्रेणी जैसे डफला है, मिसमी है, ठीक ना, ये श्रेणी है। तो शिवालिक सबसे लास्ट का हिमालय है और बहुत ये कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, इसमें जो लैंडस्लाइड है, जो भूस्खलन है, उसकी समस्या सबसे ज्यादा होती है। कहाँ क्यों होती है, मिट्टी होती है, बारिश हुई मिट्टी बहेगी तो जो पर्वत जो उसमें पत्थर होते हैं वो खिसक कर नीचे आ जाते हैं। मध्य हिमालय और महान हिमालय में स्लाइडिंग की इतनी समस्या नहीं होती, क्योंकि चट्टाने हैं कठोर, चट्टाने भी कैसी अवसादी चट्टाने हैं बच्चों, शिवालिक चट्टाने कच्ची चट्टाने हैं, कैसी, कच्ची मिट्टी की बनी हुई है, तो यहाँ भूस्खलन क्या होता है, ज्यादा होता है। शिवालिक सबसे निचला हिमालय है, सबसे नीचे का दक्षिणी भाग है, सबसे उत्तरी हिस्सा महान हिमालय, सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा बच्चों, शिवालिक का है। चलिए ये तो आपका शिवालिक हो गया।
अब जो शिवालय, अब जो पूरा हिमालय है उसके बारे में दो तीन बातें आप जान लीजिए। एक तो जो हिमालय है आपका, इस हिमालय का जो उत्तरी ढाल है बच्चों, जो इधर का ढाल है वो अवतल की तरह है। किसकी तरह? अवतल की तरह। और जो इसका दक्षिणी ढाल है बच्चों, ये आपका उत्तल की तरह है। अवतल, उत्तल मतलब क्या जानते हैं? अवतल और उत्तल लेंस होते हैं, आकार की तरह एक आकार होता है, उसके नाम पे नाम पड़ा है, कॉनवेक, कॉनकेव और कॉनवेक्स। जैसे ये अगर मैं कहूं आपको, ये लेंस है, ये कॉनवेक्स है, उत्तल लेंस, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ। कैसा बच्चों? उभरा हुआ। जैसे ये, तो इसका ये परावर्तक तल कैसा है? उभरा हुआ तल है, उभरा हुआ, तो उत्तल लेंस। और जिसका परावर्तक तल कैसा हो? धसा हुआ हो, ऐसा हो, ये परावर्तक तल है। तो कैसा है? धसा हुआ अंदर का तल, यानी जहां से प्रतिबिंब बनता है, तो उसे बोलते हैं अवतल लेंस। तो जो इसका जो ये ढाल है, उत्तरी ढाल, वो अवतल की तरह है। मतलब कैसे? ढाल ऐसे है, ऐसे करके अंदर की ओर आ गया वो ढाल, अंदर की ओर ऐसे हो गया, ऐसे मुड़ गया अंदर की ओर, ऐसे आ गया ढाल जो हो गया उसका, ऐसे आया ढाल और ऐसे मुड़ के फिर ऐसे हो गया। जो दक्षिण ढाल है इसका, वो अवतल की तरह है, वो ऐसे करके है ढाल, ऐसे करके, तो कैसा हो गया? वो उत्तल की तरह हो गया। तो ना, दक्षिण ढाल कैसा? अवतल। उत्तर ढाल कैसा? उत्तल की तरह। एक तो बात ये तरफ। दूसरी बात, जो हिमालय पर्वत है आपका, हिमालय पर्वत सबसे नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डर माउंटेन है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत अरावली जो भारत में है, और सबसे नवीन हिमालय है, सबसे दुनिया का सबसे नवीन पर्वत हिमालय। ये चट्टाने अवसादी हैं, अवसाद से जमा है। दूसरी बात, और बच्चों, हिमालय पर्वत का दबाव ऊपर से, क्योंकि ऊंचा बहुत है, दबाव बहुत है, हिमालय पर्वत में सबसे भयंकर ज्वालामुखी आ सकते हैं, पर आते नहीं है। कारण क्या है? कि ऊपर से हिमालय का दबाव इतना ज्यादा है कि जो मैग्मा भरा हुआ है नीचे मेंटल में, उस मैग्मा वो ऊपर से नहीं निकल पाता, वो मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता है, क्योंकि ऊपर दबाव क्या हिमालय का ज्यादा हो गया, इसलिए इस क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी नहीं पाता। नहीं तो जितने भी वलित पर्वत है, जो फोल्डर माउंटेन है, जो भूसन्निति से बने, जैसे आपका रोकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, ये यहां पर सब क्या है? ज्वालामुखी है बच्चों बहुत। पर हिमालय भी उसी गुण रखता है सारे गुण, पर उस गुण होते हुए भी यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है, उसके पीछे कारण यही है। अब ऊपर से दबाव क्या हिमालय का? बहुत ज्यादा दबाव हिमालय का, दबाव की उससे मेंटल क्या रहा हो, जो मेंटल जो मैग्मा भरा हुआ है वो नीचे ही है, ऊपर नहीं आ पा रहा, इसलिए गर्म पानी के रूप में जो पृथ्वी है नीचे से, वो अपने टेंशन को, अपने तनाव को बाहर निकालती रहती है। और भूतापीय ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत हिमालय पर्वत में मणिकर्ण है। कौन सा है? मणिकर्ण, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा, ठीक ना, भूतापीय ऊर्जा, जो हम पृथ्वी से गर्म पानी निकालते हैं, उस गर्म पानी से भाप बनाते हैं, उस भाप से टरबाइन घुमाते हैं, जो बिजली आती है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा, वो हिमालय में बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। तो हिमालय में एक तो ये, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि हिमालय पर्वत की भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है, उसके पीछे हिमालय का रोल क्या है? भारत की जलवायु मानसूनी है, इसमें हिमालय का कोई रोल नहीं है। पहली बात, भारत की जलवायु मानसूनी है, इसके पीछे हिमालय का रोल नहीं है, लेकिन भारत की जलवायु की जो विशिष्टता प्रदान करता है वो हिमालय करता है। क्योंकि अगर आपका हिमालय ना होता यहां, तो मानसूनी पवने तो आती और भारत के ऊपर को सीधे ऐसे निकलकर चीन में चली जाया करती और हमारे यहां वर्षा ना करती। हिमालय पर्वत है, मानसून आता है, यहां पर जानते होंगे आप असम घाटी में फेरल के नियम का उल्लंघन होता है, फेरल के नियम का उल्लंघन, कोरियोलिस बल पढ़ाऊंगा आपको बाद में जब इसका बोल पड़ेंगे, तो फेरल के नियम का एकमात्र उल्लंघन यही होता है असम घाटी में, पवन मुड़नी चाहिए ऐसे मुड़ जाती है ऐसे, इस तरीके से, अगर ये हिमालय ना होता तो पवन सीधे निकल जाया करती। तो हिमालय मानसून को विशिष्टता प्रदान करता है, लेकिन हिमालय कारण मानसून जलवायु है ऐसा नहीं, ठीक है। तो हिमालय जो है आपको वो मानसून प्रदान करता है, ठीक है। अच्छा, एक तो याद रखो अभी, ठीक, हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत जो है आपका विशिष्टता प्रदान करता है, ना कि हिमालय की वजह से भारत की जलवायु मानसूनी है, एक तो ये बात याद रखिए। दूसरी बात क्या है, हिमालय पर्वत के कारण जो इधर से जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, पश्चिमी विक्षोभ आता है, उस पश्चिमी विक्षोभ को रोक कर हिमालय यहाँ पंजाब के इलाके में बारिश भी करता है, जैसे बोलते हैं हम इधर से जो आता है ना, जो शीतकालीन वर्षा होती है हमारी, वो इधर से होती है। और हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको भी रोकता है। अगर हिमालय ना होता तो हम भी अफगानिस्तान की तरह लंबे लंबे कोट पहना करते और मोटे मोटे कोट पहना करते। जो ऊपर से क्या आता है, ऊपर जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको हमारे हिमालय पर्वत
रोक लेता है, वो नीचे तक नहीं आने देता। तो हिमालय हमें विशिष्टता प्रदान करता है। जलवायु मानसूनी क्यों है, क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे जब भारत का मानसून पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज तो हिमालय के बारे में इतना कुछ था, इसका एक विस्तार होता था आपको हिमालय का विस्तार। चलते चलते पश्चिमी हिमालय को बांटा गया है, देखना बच्चों, सिंधु नदी से लेकर सतलज तक, इसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। मैंने उसमें बताया था आपको कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, ये सतलज तक है। कहां तक है? सतलज तक है। सतलज से लेकर फिर आपकी जो नदी काली नदी है, इसे कुमायूं हिमालय कहते हैं, कुमायूं हिमालय। वो कई बार ये पूछ लेता है बद्रीनाथ केदारनाथ फूलों की घाटी किस हिमालय का भाग है, तो फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड में। किसका भाग होगा? कुमायूं हिमालय का भाग होगा। ठीक है ना, पूछ लेता है कि श्रीनगर किसमें, तो श्रीनगर कहां है? कश्मीर में। किसका भाग है? पंजाब का या सतलज का भाग है, उसका कहना पंजाब का, कश्मीर हिमालय का भाग है। फूलों घाटी कहां पर है? चमोली में, उत्तराखंड में। किसका भाग है? कुमायूं का। अब जो नदी थी काली नदी से लेकर जो तिस्ता नदी है, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, जो सबसे लंबा हिमालय है। अब पूछ ले आपसे माउंट एवरेस्ट कहां है, अधिकतर चोटियां कहां है, तो सब किसमें है? वो आपकी नेपाल हिमालय में है। अब यहां से लेकर जो नामचा बर्मा है, नामचा बरुआ, यहां तक को बोलते हैं असम हिमालय, असम हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असम हिमालय। असम हिमालय देखो जो ना, ये यहां से ये तिस्ता नदी है, ये नामचा बरवा है, इसे क्या बोलते हैं? असम हिमालय। जो असम हिमालय है ये हरा भरा हिमालय है, सबसे ज्यादा जैव विविधता, बायो डायवर्सिटी, जैव विविधता पढ़ेंगे हम इन्वायरमेंट में क्या होता है, सबसे ज्यादा इसमें होती है। किसमें? असम हिमालय में। सबसे ज्यादा जैव विविधता किसमें? असम हिमालय में। यहां पर पेड़ पौधे बहुत है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो घने जंगल पाए जाते हैं। अब यहां से हिमालय ऐसे मुड़ गया बच्चों नीचे की ओर, ऐसे करके ये म्यांमार में है, अराकोन, अराकोन, अराकोन योमा, अराकोन योमा है। नीचे कौन सा है? अंडमान निकोबार। मैं बताता आपको अंडमान निकोबार इसी हिमालय का भाग है, और यही हिमालय इधर मुड़ गया फिर, सुलेमान किरथर हिंदुकुश, सुलेमान किरथर और हिंदुकुश, ये कहां पर है? हिंदुकुश आपका अफगानिस्तान में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में। सुलेमान किरथर कहां पर है? ये आपका पाकिस्तान में। अराकोन योमा कहां है? म्यांमार में। सैंडल पीक अंडमान निकोबार में है। तो ये सब हिमालय का ही भाग है। तो हिमालय की बहुत सारी बातें हो गई है, ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा ये वाला हिस्सा नीचे का, प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार होगा हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक्स। और लेकिन शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, भूलिएगा। मुझे उम्मीद आपसे, आप मेरी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत।